पटना के पटना कॉलेज में हैं और खान सर इस वक्त हमारे साथ हैं। और पटना कॉलेज को आज इन्होंने बुक करके बिहार दरोगा जो परीक्षा होने वाली, उसमें जो स्टूडेंट इनके बैठने वाले हैं, उनके बौद्धिक विकास की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए खान सर ने पूरे पटना कॉलेज को और बीएन कॉलेज को बुक कर लिया। और 5000 बच्चे आज एक साथ उसी के तर्ज पर, जैसे दरोगा का वो परीक्षा देते हैं उसी के तर्ज पर आज उनका एग्जाम लिया जा रहा है। सर आज भी पटना जो है कॉलेज बुक कर लिया, बीएन कॉलेज बुक कर लिया और बीपीएससी में एएन बीएन दोनों बुक किया था, और आज दरोगा का एग्जाम जो है, दरोगा भर्ती परीक्षा जो होने वाली उसका एग्जाम ले रहे हैं आप। हाँ, इसमें पहले इसलिए लिया जा रहा था कि उन बच्चों के अंदर से एक जो डर होता है उसको खत्म किया जाए और एक अच्छा माहौल दिया जाए, क्योंकि क्लास का टेस्ट तो रेगुलर होता ही रहता है, डेली भी टेस्ट होता है, सैटरडे संडे भी होता है, बट उसके अंदर उनको लगता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली फील होता है। जब बीपीएससी एग्जाम से ठीक पहले आपने जो है 5000 बच्चों को एएन बीएन कॉलेज में बिठाया था, आज पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज में बिठा दिया है। हाँ, ये दोनों आज इस पर ना पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज को रखा गया है यहाँ पे, तो उस ताकि उन बच्चों में ना कुछ भी गड़बड़ ना हो। जैसे कुछ बच्चे इस बार भी ऐसा लगा था कुछ लेट ना हो जाए, किसी का ओएमआर ना गड़बड़ हो जाए, तो ये सब चीज़ें उनकी छोटी छोटी जो त्रुटियाँ हैं ना, वो त्रुटियों से सुधार करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। जैसे कि ये ब्लॉक है, अगर इसमें देखेंगे तो पूरे स्टूडेंट इसमें भरे हुए हैं यहाँ पर, ताकि इसमें अगर कोई गलती होगा तो उनको नेक्स्ट बार में हम लोग सुधारा जा सकता है। ऐसे ही हर कॉलेज में अलग अलग ब्लॉक है ताकि उनको एक कॉलेज का जो प्रेशर आता है ना, 5-7 क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं उसमें सुधार किया जा सके, इसी वजह से ये सबको कराते हैं हम लोग। अच्छा, जब बीपीएससी का आपने टेस्ट लिया था, मतलब परीक्षा लिया था, तो उसमें कुछ बच्चों के बौद्धिक विकास में आपको पता चला कि इनकी बढ़ोतरी हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो लोग भी सुधार किए थे इस चीज़ों में ताकि आगे उसको इम्प्रूव किया, अलग जो सब्जेक्ट खराब था उसको सही किया उन लोगों ने, जो टॉपिक उनका कमजोर था उसको सुधार किया, और साथ में जो एक प्रेशर था उसको हैंडल करने की उनके अंदर एक क्षमता आई थी। इस प्रकार का एग्जाम जो है आप क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है ये? बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे देखिए कॉम्पिटिशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नंबर का नहीं है, मतलब वो है 10-15 नंबर का, आगे पीछे की वजह से सारा चीजें सही आगे पीछे हो जाती है, और ये बार बार टेस्ट लेने से ना उनका वो 5-7 नंबर जो गड़बड़ होता था उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो बिहार पुलिस का एग्जाम तो अभी दिसंबर मंथ में शायद से होगा, तो अभी सितंबर पड़ा, अक्टूबर पड़ा, नवंबर पड़ा, तो 3 महीना बचा है। 3 महीना मतलब इतना जल्दी क्या था कि पूरा बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज बुक कर लिया इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, इनका एग्जाम लेने के लिए? देखिए, अगर लास्ट मोमेंट में हम लोग अगर उसको सेंटर देते भी हैं लास्ट मोमेंट पे, तो लास्ट मोमेंट में क्या ही कर पाएंगे? अगर उसको लगेगा कि हमको ये सब्जेक्ट सुधार करना है तो वो सुधार ही क्या कर पाएगा यहाँ पे? अगर हम उसको टाइम नहीं दे पाएंगे 2-3 महीना पहले, तब क्या सुधार करेगा? इसीलिए हम लोग पहले कर देते हैं ताकि उसके पास अगर लगे कि हमको ये सुधार की जरूरत है उसके बाद प्रॉपर टाइम हो। और अभी तो फॉर्म भी नहीं आया दरोगा वाला का, फॉर्म आएगा लेकिन दिसंबर तक वो पीटी ले लेगा, फरवरी में मेंस लेगा। तो आज कितना बच्चे एक साथ बैठ कर एग्जाम दे रहे हैं? आज 5000 बच्चों की कैपेसिटी है, इसमें 200-250 एबसेंट हो सकते हैं, वो पेपर खत्म होने के बाद पता चलेगा कितने एबसेंट थे, लेकिन 5000 की कैपेसिटी से हम लोग एग्जाम ले रहे हैं। जैसा रियल एग्जाम होता है उसी के तर्ज पर एकदम प्रॉपर एग्जाम लिया जा रहा है? बिल्कुल उसी के तर्ज पर लिया जाता है। आपने आपसे मेरी बात जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपने कहा था कि हम बिहार के 3800 जिले में जाकर इस प्रकार का एग्जाम लेंगे और हर एक कॉलेज को बुक करके 38 जिला में जो जो प्रतिष्ठित कॉलेज होंगे उनको हम बुक करेंगे और इसके बाद वहां के बच्चों को जो है हम परिपक्व करेंगे। आपको ये बात याद है? इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग बचा के रखें। बीपीएससी में क्या हुआ ना, इस बार हर साल कैलेंडर के हिसाब से 30 तारीख को लेना चाहिए था, 30 सितंबर को, इस साल उसने थोड़ा सा डिले किया है, इसलिए हम लोग भी उस एग्जाम से को थोड़ा सा हल्का सा डिले कर रहे हैं। इनसे जो आज बच्चे बैठे इनसे 1 रुपया भी इस चीज का चार्ज नहीं, चार्ज नहीं लिया, मुफ्त में लिया गया उनको, ताकि उनको इम्प्रूवमेंट हो सके। ये बेचारे कितने बहुत बड़े रईस घर के थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर, ये बेचारे किसी का खेत गिरवी रखा हुआ है, किसी के घर में बरसात में पानी टपक रहा होगा, ये वो लड़के कितना पैसा लीजिएगा इन लोगों से, व्यापारी थोड़े हैं हम लोग, मजदूर के बच्चों की मजबूरी आप समझ। बिल्कुल, जो आप जो भी उस दर्द से गुजरा होगा ना उसको जब मौका मिलेगा तो इसको जरूर सुधारेगा। और आप इनको इस लायक आज बना दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो रियल एग्जाम में बैठे, जब एकदम सच के एग्जाम में बैठे, तो कोई भी प्रकार की दुविधा और दिक्कत परेशानी ना हो। नहीं, कभी दिक्कत नहीं आने देंगे, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि दिक्कत ना आए। तो इनको नंबर वगैरह सब कुछ पता था? हाँ, सारा चीज, नंबर, रोल नंबर, माइनस मार्किंग, जैसे जैसे चीजें रहेंगी सारी चीजें ए टू जेड उसी हिसाब से रहेगी। चलिए, हम लोग अभी पटना कॉलेज में थे और हमारे साथ खान सर थे। बस इतना बता दे कि बीपीएससी एग्जाम से ठीक पहले खान सर ने जो है 5000 बच्चों को एक साथ एएन बीएन कॉलेज में बिठाकर उनके बच्चों का जो है टेस्ट लेने का प्रयास किया था, एग्जाम लेने का प्रयास किया था। और अब जब बिहार पुलिस यानी बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है, तो ठीक उससे पहले खान सर ने बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज को बुक करके 5000 बच्चों को एक साथ बिठाकर उनका परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। और जो परीक्षा है वो बिल्कुल रियल परीक्षा के तर्ज पर हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब आज यहां बच्चे मजबूत होंगे, आज इनका भविष्य बेहतर होगा,
होगा तभी ये कल बढ़िया बैठकर एग्जाम में जो है कॉपी लिख पाएंगे और वो फिर बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में अपना जो है सेवा दे पाएंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।